हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूँगा अबाउट BTC, कि BTC कहाँ पे और कैसे जा सकता है, और बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या चीज़ें दिख रही हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर या फिर आने वाले टाइम में मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा। मैंने आपको काफ़ी बार चीज़ें समझाई हैं। इवन जब BTC 28,800 के आसपास था, मैंने आपको कहा था कि मार्केट ने नीचे ही जाना है एंड नीचे वाले लेवल्स पहले टच करेगा। इवन हमने बात करी थी कि 25,400 की रेंज पे जाएगा, और इवन BTC 25,700-800 के आसपास से ऊपर आ गया है। अगेन 27,000 के आसपास चल रहा है। अब अगर टेक्निकली देखें तो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे कि ये सपोर्ट एरिया था हमारा पहले, एंड अभी ये रेजिस्टेंस एंड अभी भी हम लोग रेजिस्टेंस के आसपास बैठे हैं। और जब भी रेजिस्टेंस पे होते हैं और हम लोग कभी भी वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन नहीं लेते, शॉर्ट पोजीशन ही लेते हैं। इसीलिए आज भी हमारा प्रीमियम के अंदर शॉर्ट ओपन है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर, ये तो छोटा टाइम फ्रेम है, 4 घंटा। 4 घंटा भी एक बड़ा हैवी अच्छा वाला जिसको बोलते हैं वो टाइम फ्रेम है। अगर आप स्कैल्प करते हैं तो आप 1 आवर या फिर 15 मिनट के चार्ट को यूज़ करके ट्रेडिंग किया करें। 4 घंटे की कैंडल को क्लोज होने में ऑब्वियसली बात है 4 घंटे लगेंगे, एंड जब भी 2-3 कैंडलें बनेंगी तभी हमारे को थोड़ा सा ट्रेंड फाइंड होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्योंकि रेजिस्टेंस पे बैठे हैं एंड रेजिस्टेंस पे जब भी होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पोजिशन। तो यहाँ से एक अच्छी शॉर्ट पोजिशन थी। एंड अभी अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं ना, 1 आवर या फिर 15 मिनट के चार्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग एक छोटे से सपोर्ट लेवल के आसपास बैठे हैं। हो सकता है वहाँ से एक छोटा सा थोड़ा सा पंप आए। मैं आपको अपनी कैलकुलेशन भी बताऊंगा और ऐसी एक लिक्विडिटी पॉइंट भी बताऊंगा जहाँ पर मार्केट जा सकती है। आपकी लिक्विडेशन वहाँ से ऊपर होना चाहिए क्योंकि वो वीक आना भी बाकी है। ठीक है, मैं आपको वो लेवल भी बता के जाऊँगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। मैं आपको इसको क्लियर करके बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये वाला एरिया रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे सारा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ रेजिस्टेंस एंड यहाँ पे अगेन सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, जो कि अराउंड 27,150 के आसपास है। तो आपने ये याद रखना है, छोटे लेवल पर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करें, एंड साथ में उसके अंदर अगर आप एंट्री बना के रखा है या फिर आप ये सोच रहे हैं कि हम लोग टेक प्रॉफिट करेंगे, तो उसमें आपने क्या करना है, छोटे छोटे लेवल्स पे अपना छोटा छोटा टेक प्रॉफिट भी लगा के रखना है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आने के चांसेज हैं। 27 मई तक हमारे को मार्केट के अंदर एक छोटा सा डाउनफॉल दिखेगा, जो कि अराउंड 24,700 तक आने के अच्छे खासे चांसेज हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं आता, ऊपर जाना स्टार्ट होता है, तो हमारे कौन से ऐसे लेवल हैं जिनको वो ब्रेक करेगा तो हम लोग ऊपर और जाएंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अभी के टाइम पे कैलकुलेशन के अंदर शॉर्ट की पोजीशन दिख रही है, लेकिन शॉर्ट के अंदर हमारे को साथ में लिक्विडेशन एरिया भी बताया जा रहा है। अब लिक्विडेशन एरिया है ये वाला, ठीक है, अराउंड $27,460। यहाँ पे मार्केट एक वीक दे सकता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लिक्विडेशंस हैं, एंड जब भी लिक्विडेशन होती हैं वहाँ तक मार्केट के अंदर एक लिक्विडेशन पॉइंट आता है, जिसको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट को एक मैनिपुलेट पॉइंट दिया जाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर अभी तो शॉर्ट की पोजिशन है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, और जब भी शॉर्ट करते हैं तो यहाँ कहीं आपकी लिक्विडेशन आती है। अब ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया है, तो उनकी लिक्विडेशन ओवरऑल 27,860 के आसपास है। एंड अगर यहाँ तक BTC आता है तो ये सिर्फ लिक्विडेशन के लिए आएगा, बुलिश नहीं होगा। बुलिश कब होगा, जब हमारे को इसके ऊपर 4 घंटे की 2 कैंडल ग्रीन के अंदर नजर आएंगी, तब आपने लॉन्ग करना है, फिर हमारा ये टारगेट रहेगा। अब ये मैंने आपको एक अच्छा खासा पॉइंट दिया है, वो पॉइंट जिसके लिए आप सब लोग इस वीडियो को देख रहे थे। तो आपने क्या करना है, जब तक इसके ऊपर यानी 27,800 के ऊपर 2 कैंडलें 4 आवर की ग्रीन के अंदर क्लोज नहीं होती, आपने लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी, भले मार्केट इस रेजिस्टेंस को पार भी कर जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल से एरिया थे। अभी के आसपास मैंने आपको बता दिया कि हमारा सपोर्ट एरिया यहाँ पे एक छोटा सा है, जो कि अगर मार्केट ने ब्रेक किया, उसके नीचे 2-3 कैंडल क्लोज करी, तो फिर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास आएंगे, जो कि अराउंड 27,000
50 के आसपास है, और उसके बाद हमारा अच्छा सपोर्ट एरिया है 27,500 का, 26,600 का, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एरिया बनता है। अब आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। मैंने आपको वीकली पॉइंट आउट से और पूरी लिक्विडेशन कहाँ पे है, क्या क्या हो रहा है, मार्केट कहाँ तक जा सकता है, कहाँ उसकी लिक्विडेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दी हैं। आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, मैंने आपको बड़े आराम से समझाने की कोशिश करी है। मैं आपको सिंपल एंड शॉर्टकट के अंदर बता देता हूँ, अभी मार्केट के अंदर शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे हमारे पास रेजिस्टेंस हैं। ऊपर हमारी बहुत सारे लोगों की लिक्विडेशन 27,800 पे है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होके एक वीक लगाए सिर्फ इन लोगों को लिक्विडेट करने के लिए, लेकिन बुलिश नहीं होगा। बुलिश कब होगा, जब इसके ऊपर हमारी दो कैंडल क्लोज होंगी, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे। अब अगर नीचे के लेवल देखें, यहाँ से मार्केट नीचे आती है, पहला सपोर्ट हमारा है 27,050 के आसपास, फिर हमारा नीचे वाला सपोर्ट है 26,600 के आसपास, एंड फिर हमारा लास्ट जो हमारा सपोर्ट एरिया रहेगा वो हम लोग इसको मानेंगे, ये वाली विक को यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि अराउंड 26,100। तो ये तीन सपोर्ट लेवल हैं। ऊपर मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल भी बता दिया। मैंने आपको कहा कि कैलकुलेशन के अंदर एक लिक्विडेशन विक आने वाली चांस है, वो आएगा तो वो हो सकता है हमारे में से कई लोगों ने बड़ा लिवरेज लिया होगा, उनको लिक्विडेट कर दिया जाएगा। बाकी मार्केट के अंदर ओवरऑल डाउन का ट्रेंड है। अगर ब्रेक करता है, ऊपर 4 आवर वाली कैंडल क्लोज होती हैं, तब आप लॉन्ग कर सकते हैं और इंशाल्लाह मार्केट फिर ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। लेकिन 27 मई तक मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर नहीं जानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली करके नीचे आएगी। लेकिन अगर क्लोजिंग ऊपर देती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जो कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो आप ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चार्ट्स वगैरह टेक्निकल कैलकुलेशन देखनी है तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्रीमियम चैनल भी है जहाँ पर मैं सिग्नल वगैरह देता रहता हूँ। आज भी हमारा शॉर्ट का पोजीशन था जहाँ पे हमने एक छोटा छोटा प्रॉफिट निकाल लिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।